नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दूसरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार के बारे में। दूसरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक से शोभा करंदलाजे, महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती पवार, गुजरात से दर्शना जरदोश, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी। इस दूसरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में युवा शक्ति पर भी जोर दिया गया। आइए सुनते हैं अजय बैरागी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में क्या कहा। अंडमान निकोबार सभी देशवासियों को सादर नमन करता हूँ। तो भाई और बहनों, कोविड-19 महामारी के समय देश में बहुत सारा परिवर्तन और खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई द्वीपों का सार्वजनिक उत्थान का लिए कई सारा कदम उठाया। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछला 5 तारीख को, अभी जैसा मिनिस्ट्री का 7 तारीख को रिसफल हुआ है, उसका पहले जो हमारा MOS माननीय किशन रेड्डी जी थे, अंडमान निकोबार का इंचार्ज भी थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, और उनका साथ में पूरा प्रदेश इकाई, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह प्रशासन पूरा एफर्ट्स लगाया, कार्यकर्ता भी भाजपा इसमें अपना पूरा ताकत और एफर्ट्स लगाया। बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है अंडमान निकोबार में। हाल ही में वैक्सीन का थोड़ा शॉर्टेज हमें दिखाई दिया, कोई कारण ऐसा था, दूसरा विषय ऐसा था, जिसका वजह से माननीय किशन जी का साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन 6 जिला के कार्यकर्ता भी उनको रिप्रेजेंट किए हैं, उनसे बात किए हैं, और हमने प्रदेश का तरफ से माननीय किशन जी का समक्ष कुछ विषय जो तुरंत हमें सॉल्व होना चाहिए, ऐसे में वैक्सीनेशन का जो हमारा पास जो शॉर्टेज था, अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है, एकदम पूरी तरह शॉर्टेज नहीं बोल रहा है, पर हमेशा का लिए अवेलेबल हो और निरंतर लोगों को उसमें वैक्सीन लगाने का काम कर पाए, इसको ध्यान में रख के 1,00,000 वैक्सीन का मांग उसे हम लोग किए थे, और प्रशासन का भी, डिपार्टमेंट का भी कुछ रिक्वेजिशन दिल्ली में भेज केंद्रों में भेजा गया था। खास करके प्रेजेंट सिचुएशन को देख के 20,000 वैक्सीन हमारा पास तुरंत आ जाए, उसका लिए मांग जो है हमने माननीय किशन रेड्डी जी से की, और उसका साथ साथ में ये वैश्विक महामारी में पूरा विश्व के साथ साथ हमारा द्वीपों में भी अगर देखा जाएगा, जो डेली वेजेस आर्नर्स है और जो लेबरर्स है, टूरिज्म हो गया, इंडस्ट्री हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, फार्मर्स हो गया, उनको जो बहुत भारी इकोनॉमिकली उनको जो तकलीफ हुआ, उनका लिए हमने एक मांग माननीय किशन रेड्डी जी से किए थे कि उनको कुछ रिलीफ जल्द से जल्द सरकार हमारा ये सरकार करेंगे, भाजपा सरकार करेंगे, ऐसा हमारा उनसे मांग था। और उसका साथ साथ में बहुत सारा लोग जो लोन लिया है, हमारा अनएम्प्लॉयड, हमारा दीपों के लोग, चाहे फार्मर हो, टूरिज्म में हो, बाकी हो, इंडस्ट्री में हो, जो लोन लिए थे उसको भी माफ करने के लिए एक मांग उससे हम लोग किए थे, उनसे हम लोग किए थे। तो ऐसा में हमारा दीपों में बहुत पुराना समय से मांग है, प्रदेश एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको भी फिर से एक बार हम लोग उनका सामने रिप्रेजेंट किया, और बाकी नेता लोग, बाकी कार्यकर्ता लोग भी बात रखा। तो इस दिशा में
उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हमें तो ये विश्वास था कि बहुत जल्दी एक बार वो आ पाए हमारा बीच में, और उनको हम लोग सब मिलके एक रिक्वेस्ट भी किया है कि एक बार जल्दी हमारा बीच में आए। और हमें बहुत विश्वास भी है कि किसान रेड्डी जी जैसा नेता हमारा बीच में आने से दीपों में शारीरिक रूप से दीपों का विकास होगा। मंत्रिमंडल का जो विसफल हुआ, शारीरिक रूप से हम लोगों को पढ़ना मिल रहा है। जैसा मैंने आपको कैटेगरी बताया, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, उस तरह में अगर उनका जो ऐसे यंग ब्लड, महिला शक्ति और ऐसे ऐसे लोग जो मंत्रिमंडल में जिनको चांस मिला है, मोदी जी ने अपना साथ में लिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और एक चीज आपको देखना है, जो लोअर कैटेगरी का जो इसमें एक 13 मंत्री जो है इसमें जिनको मोदी जी ने जोड़ा, और इसमें 6 डॉक्टर्स है जिनका प्रोफेशन डॉक्टर्स है, उनको इसमें 70-8 के रिसर्च में लिया, और एक 5 मंत्री जो जिनका प्रोफेशन इंजीनियर है, ऐसे दिग्गज 6 मंत्री लोगों को श्री संभल में मंत्रित्व दिया है जो इंजीनियर जिनका प्रोफेशन है। ऐसे आईएएस और आईएफएस देखेंगे जो सिविल सर्वेंट है, उसको भी एक 7 मंत्री इस रिसर्वल में कैबिनेट में आया, और पीएसटी होल्डर जो देश में एक बहुत बड़ा पद देश का लिए हम सब का लिए, उससे भी एक 7 लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे महानुभावों को मंत्रिमंडल में लिया है मोदी जी ने। और एमबीए किया वाला भी एक 3 लोग जो है इस बार इस रिसर्वल में मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ में उनको काम करने का मौका मिला है। आज किशन रेड्डी जी मिनिस्टर ऑफ कल्चर कैबिनेट में, इंडियन कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, और टूरिज्म अंडमान का इतिहास में बहुत बड़ा मायना रखता है, तो ये हमारा लिए अंडमान वासी का लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो इसका पहले एमओएस थे और आज यूनियन में गए हैं, उनको इस तरह बड़ा जगह मिला, इसमें हमारा दीपों में बहुत बड़ा लाभ होगा हमारा शारीरिक रूप से। और इसका पहले जो हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र नारायण जी थे, जिनको आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो बीच में याश साइक्लोन में सुलझाने में जिन्होंने हमारा साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ के, और तुरंत देखिए 4,73,800 रुपये उनको मिला है। तो ऐसा भावना रखने वाला मंत्री, इतना बड़ा देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, आज उनको एजुकेशन विभाग दिया, और साथ में उनको मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो उनको मिला है, और स्किल डेवलपमेंट अंडमान का लिए बहुत बड़ा मायना रखता है। मुझे बहुत खुशी है, मैं दीपवासी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसमें अंडमान निकोबार में हम लोगों को बहुत अच्छा जो है लाभ होगा उनका नेतृत्व में। इसमें अगर देखा जाएगा, इसका पहले गिरिराज सिंह जी फिशरीज मिनिस्टर थे, आज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी जैसा महान नेताओं का पास आया, और गिरिराज सिंह जी से खास करके रूरल डेवलपमेंट अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा मायना रखता है। कैपिटल से लेकर डिग्रीपुर तक 94 का अंदर में एक 70 पंचायत होता है, 24 म्युनिसिपल है, 70 हो गया जो रूरल डेवलपमेंट में जो दूर दराज का फैला हुआ एरिया है, इसमें रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा हमें मदद मिलेगा, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है। ऐसा अगर देखेंगे जो हरदीप सिंह पुरी जी सिविल एविएशन मिनिस्टर था, आज उनका पास रूरल डेवलपमेंट, और मुझे पूरा आशा है, और मैं बहुत जल्दी उनको इनविटेशन करने वाला हूँ कि हमारा पोर्ट ब्लॉक जो अर्बन है, इसमें उनका आशीर्वाद हमको बहुत जरूरी है, बहुत सारा काम पेंडिंग है यहाँ पर, इसलिए ये भी मुझे आपको बताना था। और मेरे लिए बहुत बड़ा एक गर्व का बात है, जो भूपेंद्र यादव जी जो हमारा राष्ट्रीय महामंत्री, पिछला 2021 को उनको प्रोग्राम बना था, जून महीना का आ नहीं पाया, उसका बाद में फिर अभी प्रोग्राम बना था, 6 तारीख को 7 तारीख को प्रोग्राम बना था,
वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, एक मंत्रिमंडल का रिशफल कर लिया, उनको रुका दिया गया था। और ऐसा महान नेता को, ऐसे हमारा बिलव लीडर को आज देखिए देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अंडमान निकोबार में फॉरेस्ट बहुत बड़ा मायना रखता है। करीब करीब 90% अब यहाँ में फॉरेस्ट से रिलेटेड, चाहे रेगुले में रह रहे लोग हो, चाहे फॉरेस्ट में कुछ एग्रोसन का विषय हो, तो मैं उनका बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।